वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं इंट्रो शूट करने के लिए इतनी खतरनाक मतलब इतनी बढ़िया जगह पर आया हूँ। तो सच बताएं तो यार इंट्रो शूट करने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं यहाँ आया था आइसक्रीम खाने। आप देख सकते हो हाथ में कोई भी ट्राइपॉड नहीं है। अगर यहाँ इंट्रो शूट करने आते तो हाथ में ट्राइपॉड तो होता ना। ये देखो कोई भी ट्राइपॉड नहीं है, हाथ से शूट कर रहे हैं। तो मतलब मैं आया था सही में आइसक्रीम खाने। झूठ बोल रहा है यार। रुको अच्छा तुम्हें दिखाई देते हैं। एक तो यकीन भी नहीं होता यार तुम लोगों को, मतलब हद है। ये देखो क्या है शॉप आइसक्रीम वाली। अब हो गया ना यकीन। तो फिर हमने और टेक एसोरिया मैम ने एक जबरदस्त इंटरव्यू शूट किया। उन्होंने काफी सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे कि कैसे किया, बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी हैं जिसका मैंने ऑनेस्टली रिप्लाई दिया है मैम को। तो अब इस इंट्रो के बाद आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रो और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसके साथ कोलैबोरेशन करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को गेस किया होगा, बट ऋतिक भाई को आपने गेस नहीं किया होगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि बहुत सारे लोग फर्स्ट ब्लॉग पे वीडियो ट्राई करते बट उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। इसीलिए मैंने ऋतिक भाई के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि आप भी उनसे सीखो कि उन्होंने अपने चैनल पर कौन सा जादू टोना टोटका और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। उन्हीं के मुँह से पूछूंगी कि वो अपने वीडियो में ऐसा क्या ट्रिक अप्लाई किया जिससे उनका चैनल वायरल हुआ और उनका माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हुआ। तो अगर आप भी फर्स्ट ब्लॉग ट्राई करते हो तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बनता है ताकि आप भी अपनी वीडियो को वायरल करा सको। अब मैं ऋतिक भाई से कहूँगी कि प्लीज़ वो मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में पहले बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम कुश ऋतिक है और अभी हाल ही में लगभग 5-6 दिन पहले मेरा जो व्लॉग था माई फर्स्ट व्लॉग, तो वो वायरल हो गया। तो वो उसका अभी 100K से अबव उसका व्यू हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा लगा आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया भाई। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन लोग सर्च करते हैं कि मतलब फर्स्ट ब्लॉग कैसे वायरल करें, तो इसके बारे में मेरा सवाल आपसे है कि आपने अपना माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो कैसे वायरल किया। कुछ ऑडियंस को इसको इस सीक्रेट्स के बारे में बताइए ताकि वो भी अपना फर्स्ट ब्लॉग वायरल करा सकें। तो कुछ इसके बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। उत्तर प्रदेश, तो मैम आपका क्वेश्चन था कि मैंने अपना ब्लॉग चैनल कैसे वायरल करवाया। मैम आजकल सभी अपना अपना ब्लॉग बना रहे थे, वायरल करा रहे थे, तो मैंने भी 5-6 दिन पहले सोचा एक माय फर्स्ट ब्लॉग बना ही देते हैं, और मैंने वो बनाया और वो भगवान की दया से वायरल भी चला गया। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ऋतिक भाई ने बताया कि उन्होंने अपना फर्स्ट ब्लॉग कैसे वायरल करवाया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस यही जानना चाहती कि वो अपना फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करवाएं या वो अपने फर्स्ट ब्लॉग में ऐसा क्या ट्राई करें जो वायरल हो जाए। तो ऋतिक भाई आप उनके बारे में बताइए कि वो जो फर्स्ट ब्लॉग ट्राई कर रहे हैं तो वो अपने फर्स्ट ब्लॉग को कैसे वायरल कराएं, कुछ इसके बारे में उनको बताइए, क्योंकि आपका फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो चुका है। तो अगर आप बताएंगे तो उनको बिलीव होगा और वो भी अपने फर्स्ट ब्लॉग को ट्राई करेंगे कि कैसे वायरल कराएं, तो कुछ इसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन था माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल करवाने का सीक्रेट। मैम इसका सीक्रेट तो मैंने तो अपना ब्लॉग जादू टोटका टोना हवन जो भी होना था वो सब किया अपने ब्लॉग्स में, इस वजह से वायरल हो गया। सॉरी मैम मजाक कर रहे थे, एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सीक्रेट अगर मैं बताऊं इसको वायरल करने का माय फर्स्ट ब्लॉग, तो सीक्रेट यही है मैम, ये सीक्रेट है। मैंने क्या किया था, मैंने हाथ जोड़कर भगवान को ऐसा बोला था, हे भगवान मेरा ब्लॉग वायरल कर दे तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो इसमें कोई जादू टोटका टोना नहीं था मैम, इसके पीछे बस एक ही वजह थी, इसमें जो थंबनेल था वो यूनिक लग रहा था। इसमें जो थंबनेल मैंने लगाया था वो एकदम से यूनिक था, तो लोगों को अचानक से यूनिक थंबनेल दिखा तो सब लोगों ने उस पर क्लिक किया। तो इसके पीछे का सीक्रेट यही है कि आप अच्छे से टाइटल लगाइए माई फर्स्ट व्लॉग, अच्छे से हैशटैग लगाइए उसमें जो भी आता है हैशटैग माई फर्स्ट व्लॉग, और डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालिए और अच्छे से थंबनेल लगा दीजिए। थंबनेल थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए, थोड़ा सा अलग, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपका ब्लॉग जो है वायरल होने का। थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आप अपने फर्स्ट ब्लॉग को कैसे वायरल करा सकते हो। भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप किसी को देख के यूट्यूब पर आए हो तो कुछ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि वो जान सके कि आप किसी को देख के आए हो या वैसे ही आपने अपना चैनल क्रिएट किया और बनाया, तो कुछ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आपका तीसरा क्वेश्चन था कि मैंने किस यूट्यूबर को देख के यूट्यूब ज्वाइन किया। मैम मैंने यूट्यूब कोई देख के ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये बस एक थोड़ा सा पैशन होता है कि हाँ हम भी वीडियोस बनाएं, तो इस वजह से मैंने भी वीडियोस बनाए और मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है वायरल हो गया।
ऋतिक भाई ने आपको समझा दिया कि कैसे फर्स्ट ब्लॉग वायरल किया जाता है, उन्होंने सब कुछ जो कुछ प्रॉपर अपने चैनल पे अप्लाई किया था वो सब कुछ बताया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऋतिक भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप मेरे चैनल पर आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ऑडियंस इसके बारे में भी जानना चाहती है कि अगर आप किसी के साथ कोलाब करते हो तो आपको कैसा लगता है, और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल पर आके एक्चुअली में कैसा लग रहा है और क्या फील हो रहा है, तो कुछ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आपका लास्ट क्वेश्चन था मैम कि मुझे आपके चैनल पर आके कैसा लग रहा है। मुझे आपके चैनल पर आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम, अनबिलीवेबल फीलिंग आ रही, क्योंकि अभी तक हम लोग आपको स्क्रीन पर देखते थे, आपसे सीखते थे, आप क्रिएटर्स को जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं आप उनको इतना कुछ सिखाती हैं। एंड मैम थैंक यू सो मच, आप अपने यूट्यूब चैनल पर इतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देती हैं छोटे क्रिएटर्स को, छोटे यूट्यूबर्स को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा ये ऋतिक भाई थे कुछ ऋतिक ब्लॉग चैनल से, इनका माय फर्स्ट ब्लॉग रिसेंटली अभी 10 दिन पहले वायरल हुआ, तो इसीलिए मैंने इनको लेके अपने चैनल पर आई। और अब आपको भी आइडियाज लग गया होगा कि आप अपना फर्स्ट ब्लॉग वीडियो कैसे वायरल करा सकते हो, तो इस कोलैबोरेशन वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा ताकि आप भी अपने वीडियो को अपने फर्स्ट ब्लॉग को वायरल करा सके। आई होप ये कोलैब वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक कर दो, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी tech23 है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।